पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने हरियाणा में हल्ला बोल किया। कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की है कि सरकार बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द लगाम लगाए। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज सिरसा में हल्ला बोल दिया। कांग्रेस नेताओं ने शहर के सुभाष चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार का विरोध जताया। होशियारी लाल शर्मा ने बताया कि आज किसान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पर है, लेकिन बीजेपी सरकार मौन है। सरकार के इसी रवैये को लेकर आज प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। होशियारी लाल शर्मा ने बताया कि जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं, तब से जुमलेबाजी करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाई जाए। आज कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई को लेकर हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी का पुतला फूंका है, क्योंकि आप देखिए हमने इनका नाम झांसा राम रख दिया। ये जब से प्रधानमंत्री बात झांसे झांसे दे रहा है, कोई काम की बात नहीं कर रहा है, झांसे पे झांसा, कभी जुमले बोल रहा है। आप देखिए डीजल का रेट क्या था, आज डीजल का रेट कांग्रेस के राज में क्या था, आज डीजल जो है 80 रुपये से ऊपर जा चुके हैं और पेट्रोल पर जो है वो 100 रुपये जा रहा है। गैस का सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 रुपये था, आज 800 से भी ऊपर हो गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जो दालें हैं, सब्जियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाएगा डीजल पेट्रोल महंगा होने से। आज चारों तरफ हाहाकार मचा रहा है और मोदी जो है बंसी बजा रहा है। वही होशियारी सिंह ने कहा कि भाजपा और जेजेपी के नेताओं का सभी जगह पर विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के खिलाफ लागू किए गए कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।